ब्लॉग है ना एकदम तबाही होने वाला है, क्योंकि ऋषिकेश से हम लोग 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और मुनि की रेतु दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मुनि की रेतु दिखाते हैं। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग मुनि की रेतु के पुल पे चल रहे हैं और यहाँ का व्यू कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। नदियाँ इतनी तेज हो रही हैं, गंगा मैया का जल इतना तेज हो रहा है, कहने से व्यू दिखाते हैं आपको। ये सामने की ओर है और यहाँ से देख सकते हैं राम झूला 600 मीटर है और भूतनाथ 107 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला 250 किलोमीटर। तो ये रहा कुछ भी, ये उधर से आ रहा है ऋषिकेश से। और बाकी तो हम लोग अभी चलेंगे और देखते हैं कहाँ चलते हैं आगे। तो बजरंगबली आएगी सामने की ओर जब दिखिएगा आप तो। और यहाँ काफी अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। तो ये अब लोग नीचे जा रहे हैं, ये देख सकते हो वहाँ जितने भी देखिएगा पहाड़ में ना, तो ऐसे किनारे में देख रहे होंगे पहाड़ है। और वो देख सकते हैं सबसे ऊंची, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो सबसे ऊंची ये मंदिर है और ये है बजरंगबली। चलिए अभी मुनि की रेती घूमते हैं, उसके बाद से देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो गाइस अभी जो थे हम लोग मुनि की रेती में थे, वहाँ देख सकते हो उस पुल पे थे। ये पुल जो है बिना पिलर खंभे का बनाया गया है फिर भी चल रहा है, और हमारे यहाँ बिहार में बनता है पिलर दे के पुल बनता है, गिर जाता है, पता नहीं कैसे पुल बनते हैं। और ये देखिए बिना पिलर का पुल बना है और गंगे मैया इतनी रफ्तार से चल रही हैं, आप देख सकते हो इतने रफ्तार है गंगे मैया में। ये देख लो, ये सामने देख लो, ये देख सकते हो कितनी रफ्तार है। और ये बीचों बीच गंगा मैया बह रही है किनारे किनारे की ओर, ऊपर देख सकते हो पहाड़ी है, पूरे घर बने हुए हैं। और ये है मुनि की रेतु, मुनि की रेतु है, आप लोग व्यू देख सकते हो। और वो जो मुनि की रेतु पर बनाया गया पुल वो बिना पिलर का बनाया गया है, और बिना पिलर का बनाया हुआ पुल इतनी रफ्तार से गंगा जल में चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने का कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ बिहार में बनता है पुल 1 साल में, इंजीनियर पास भी करता है, बनता भी है और गिर भी जाता है। तो आप लोग थोड़ा सीखें इनके से, मुनि की रेतु है और ये ऋषिकेश से करीबन 3 किलोमीटर पे है। और मैं इधर आया हुआ था घूमने के लिए तो दिखाया आप लोगों को मुनि की रेतु। और यहाँ पे बाकी मेरे को ये व्यू देखने को मिल रहा है कि इतने तेज गंगे मैया हैं, इतने तेज हैं कि मतलब इसके धार में जो भी आया, इसके धार में जो भी आया वो चपेट में आया, वो इसमें से ना निकल पाएगा। समुद्र के जैसे लहरें उठती हैं वैसे लहरें उठ रही हैं, जैसे आप देख सकते हो जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, जितनी रफ्तार से पानी चलता है, जल चलते हैं गंगा मैया चलती हैं, उतने रफ्तार से यहाँ भी चल रही है। और जब हम लोग जाएंगे राम झूलापुर, वहाँ 4 नदियाँ बद्रीनाथ नीलकंठ वाली नदी, चारों नदियाँ आपस में मिलती हैं, उनकी धाराएं कितनी तेज होगी आप लोग समझ सकते हो। और बाकी तो ये श्रद्धांजलु है, श्रद्धांजलु जो लोग अभी स्नान कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन ये भी अंदर ना जा सकते हैं। तो गंगा जल कितने तेजी से बहाव कर रहा है और गंगा जल कितना तेजी से बढ़ रहा है इसमें, ये देखिए रफ्तार देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कितनी रफ्तार है, मेरी आवाज भी ना जा रही है। बाकी तो ये मुनि की रेतु है जो पुल दिखाया था मैंने बिना पिलर का है, और उधर से मैंने आया उस साइड से और यहाँ पे एंट्री है। और सभी श्रद्धांजलु, ये पूरी की पूरी घाट खाली है, अभी श्रद्धांजलु नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को। बाकी तो चलेंगे, कहाँ चलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ दिखाएंगे।
चलिए चलते हैं और बाकी तो वीडियो में देखते रहिएगा कहाँ। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग मुनि की रेती थे और अभी हम पहुँच चुके हैं परमानंद निकेतन, जैसे कि आप से देख सकते हो परमानंद निकेतन। और यहाँ का पूरी व्यू दिखाऊंगा, पूरी मंदिरें दिखाऊंगा कैसे क्या है। और चलिए पहले मंदिर देखते हैं क्या क्या अंदर में। गाइस एंट्री लेते ही ये देखो कितनी अच्छी व्यू, इसकी व्यू देख सकते हो आप लोग। ये है परमानंद निकेतन और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार है। परमानंद निकेतन है और ये देख सकते हो व्यू, आप लोग देख सकते हो। और चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। और ये भी देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी व्यू आ रही है यहाँ पे। तो गाइस ये जो पाछे आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे से यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। और यहाँ पे जो है ना सरवण कुमार भी मिल चुके हैं हमको, यहाँ पे देख सकते हो सरवण कुमार भी मिल चुके हैं जो इनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे तो भगवान निग्री प्रहलाद की है तस्वीर है, यहाँ पे देख सकते हो जो हिरण्यकश्यप बने थे कृष्ण भगवान और वध किए, यही आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ जो है हिरण्यकश्यप बन के और वध किए थे हिरण्यकश्यप या भगवान ने श्री भगत राज प्रहलाद की रक्षा है तो दैत्य हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, ये तस्वीरें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और यहाँ जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आप लोगों को ये शंकर भगवान की तस्वीरें हैं। बाकी इसमें एंट्री जो लोगे आप लोग तो ये देखिए इसमें क्या लिखा गया, कार्य विवाह और इधर लिखा शिक्षा जन्म और इधर है बीमारी मृत्यु शमशान, मतलब अंत में शमशान की बारी आती है। और ये जो व्यू अंदर का दिख रहे हो ना आप लोग योग नगरी ऋषिकेश, योग नगरी इसका नाम ऐसे ही नहीं है, योग यहाँ बहुत ज़्यादा योगा लोग करते हैं इसलिए योग नगरी ऋषिकेश इसका नाम पड़ा। और ये है मंतावली मीरा, और यहाँ पे जो देख सकते हो आप लोग यशोदा मैया, और ये गुरु पूर्णिमा 2024 यहाँ पे कुछ तस्वीरें बताई गई। नारूप का भेद है, मानव सभी सम्मान समता का जल पी रहे वृद्धि देव भगवान, हाँ कुछ इस प्रकार का है। और कुछ ये तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पे, ये देख सकते हो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल लिखा गया जो योगा के गुरु हैं यहाँ पे, और ये आप लोग नाम भी दे सकते हो। और ये है ये सब गुरु लोग हैं, ये परमानंद निकेतन इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है, ये सारे के सारे ये गुरु हैं जिनकी फोटो दिखाई गई है लिखा गया है। और ये रिसेप्शन है और अंदर थोड़ी कुछ खास नहीं है, भोजन लाया गया है इसमें। और ये भी कुछ इस प्रकार का। तो गाइस ये जो है ना नल, ये पहले था कुआं, अभी इसको प्लास्टर वास्टर करके और इसमें ये हैंडपंप लगा दिए, देख सकते हो ये पहले कुआं था करीबन 50 साल पहले और ये हैंडपंप लग गया। और यहाँ पे ये है यशोदा माँ, और ये देख सकते हो यहाँ पे व्यू देख सकते हो कितनी तगड़ी व्यू है, कुछ कह नहीं सकते। और एक और चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, ये रहा अहिल्या द्वार,
ये रहा अहिल्या द्वार, ये देखो लॉर्ड रामा लेबरेस्ट अहिल्या। बाकी अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और बाहर का व्यू जो है ना कुछ देखेंगे।